नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैनल। रिटायरमेंट की उम्र नजदीक आ गई है और आप अपने निवेश में इसके हिसाब से जरूरी बदलाव करना चाहते हैं, और जरूरतों के हिसाब से ये बदलाव कैसे करें और इस उम्र में निवेश की क्या रणनीति हो, 45 से 55 की उम्र में अगर आप निवेश की सही स्ट्रैटेजी अपना कर चलेंगे तो अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, चूंकि 45 से 55 का जो ये उम्र का दायरा होता है, उस वक्त रिटायरमेंट जो होती है वो काफी पास आ जाती है, तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने निवेश की शुरुआत नहीं की है या फिर निवेश की रणनीति की बात कीजिए और कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ये 45 से जो 55 का जो आपने एज बताया, ये आप सच पूछिए तो आपके कैरियर का भी लगभग मिड पार्ट होता है और आपके लाइफ का भी बड़ा मिड पार्ट होता है। इस वक्त तक आपकी लगभग 10-15 साल की आपकी नौकरी गुजर चुकी होती है। तो निश्चित तौर पे अगर किसी ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो थोड़ी सी उन्होंने गलत पे अगर किसी ने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो थोड़ी सी उन्होंने गलत काम किया है। सो मैं अपने दर्शकों को ये भी बोलना चाहूँगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग की आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब किसी ने अगर नहीं की है तो अब उसके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब आपको तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी ही है। अब आपके पास अभी भी अगर आप गौर कीजिए तो आपके पास कम से कम 15 साल, अगर मैं मान लूँ कि अगर आप 65 साल तक नौकरी करते हैं तो 10-15 साल का आपके पास अभी भी एक लक्ष्य है। बहुत ज़रूरी होगा आपको आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको अच्छी रिटर्न है, हाई रिटर्न है, जो कि आपको इक्विटी फंड ही दे सकता है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, कोई उसके सामने ऑप्शन नहीं है। आपके अपने जो खर्च हैं, खास करके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए ये जो एज होता है ये बड़ा, इस वक्त हर आदमी की आमदनी भी ज़्यादा होती है और खर्च भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे आपके लगभग हायर एजुकेशन के लगभग पहुंच चुके होते हैं तो उनके खर्चे होते हैं, हम सबको पता है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खर्च को, क्योंकि आपने अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की तो थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ेगा। एक सुझाव मेरा और रहेगा कि ओवर स्पेंडिंग ना करें, वही स्पेंडिंग करें जो आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारे लोगों की एक आदत है कि हम क्रेडिट कार्ड पे बहुत से अपनी एक्सपेंसेस करने लगते हैं, तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा और एक लंबी अवधि का उनको एक इन्वेस्टमेंट सोच के चलना पड़ेगा। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, चूंकि आपने अब पहले के 5-10 साल आपने खो दिए हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो रिटायरमेंट आपने लक्ष्य बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग लगभग 65-70 साल तक भी काम करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप पहले वाले जो आपने वर्ष खोए हैं उसको आप कंपनसेट करें। तो ये सारी कुछ चीज़ें लोगों को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप उम्र के बीच के पड़ाव में आ चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर रहे हों और बचत में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। लेकिन अगर हम उम्र के इस पड़ाव की बात करें तो प्रकाश जी, किस किस तरह के लक्ष्य जो होते हैं वो एक व्यक्ति की ज़िंदगी में होते हैं, चूँकि रिटायरमेंट तो है ही है, उसके अलावा जैसे बच्चों की आगे हायर एजुकेशन है, और क्या क्या लक्ष्य होते हैं जिनको तय करके उन्हें निवेश करना चाहिए? देखिए, बहुत एक सीधा सा बात है कि हम कमाते हैं और खर्च करते हैं अपने परिवार के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको जो लक्ष्य होते हैं, एक तो बच्चों की पढ़ाई होती है, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, तीसरा हर आदमी के पास घर होना ही चाहिए अपना रहने के लिए, और चौथा रिटायरमेंट। देखिए, ये यहाँ पर प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आजकल हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। पहले जैसे क्या था कि आप, जैसे मैं एजुकेशन की थोड़ी सी बात कर लूँ, एजुकेशन क्या होता था, सामान्यतः लोग भारत में पढ़ते थे, अब लोग बच्चों को विदेश भेजने लगे हैं और जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस एजुकेशन का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जहाँ तक शादी की बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहते हैं। रिटायरमेंट तो खैर एक ज़रूरत है ही और घर भी ज़रूरत है, तो ये चार आपके मेजर लक्ष्य हैं। यहाँ पे एक बहुत जो सिंपल सी बात है, मैं पहले बोलूंगा कि रिटायरमेंट पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपका बुढ़ापा जब आएगा और उस वक्त आपको शायद पैसे की ज़्यादा जरूरत होगी, आपको जॉब नहीं मिलेगा, और भगवान ना करे अगर आपको कोई देखने वाला ना हो तो फिर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और मैरिज, ये दो जो चीज़ है, यहाँ पे मैं लोगों को बोलूंगा थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिकल बने, ना कि इमोशनल बने। आप खर्च करिए बच्चे पे, बट आपको देखना पड़ेगा आप उतना ही खर्च कीजिए जितनी की आपकी क्षमता हो। क्षमता से बाहर अगर जाके आप, मान लीजिए अगर आप कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं
तो वो कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आपके बुढ़ापे में वो आपके लिए एक डेट बन जाए और जो आपको चुकाना पड़े, ये ध्यान देना है। जैसे मैं शादी की बात करूंगा, मैंने देखा है लोग शादी में बहुत तरह की उजूल फजूल खर्चे करते हैं। अगेन, क्या खर्च करना है ये हर व्यक्ति के अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जोर से ज़्यादा खर्च ना करें, दैट्स वन थिंग। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ी, अगर हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को बाहर भेजना है, तो वो बड़ा सोच समझ के लें और वो देखें कि ऐसा हो कि आपके बच्चा वो लोन को चुकाए, अगर आप न चुका पाते हो तो ये सब कुछ चीज़ें लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा क्योंकि उम्र के ऐसे पड़ाव पर आप आ चुके हैं जहां पर आपकी प्रायोरिटी में ये आना चाहिए कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करें, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए जितनी भी आप खर्चा करना चाहते हैं। खर्च करने की तो खैर कोई सीमा ही नहीं होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर नाप तोल कर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन चूंकि प्रकाश जी, थोड़े से लोग जो होते हैं इस उम्र में आके रिटायरमेंट की प्लानिंग में लेट हो जाते हैं, तो किस तरह के फंड्स जो हैं उन्हें चुनने चाहिए जब अपनी प्लानिंग करें? देखिए, रिटायरमेंट का जो सबसे पहले बात है कि कोई भी आदमी अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो तीन चीज़ों का उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की उम्र है 45 साल है, फॉर एग्जांपल लेट से, अब वो रिटायर मान लीजिए 60 या 65 करता है, 15-20 साल बाद करता है। आज अगर उसके घर का खर्च है मान लीजिए 30,000, निश्चित तौर पर जब वो रिटायर करेगा तो उसकी जो बहुत सारे लाइबिलिटीज़ खत्म हो चुके होंगे, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, होम लोन और ये सब खत्म हो गएंगे। आपके सिर्फ एक बेसिक आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आप और आपकी वाइफ, ये दो आपको खर्चे चलेंगे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो आज जो आप 30-35 हज़ार आपका खर्च हो रहा है, 15-20 साल बाद वो 30-35 नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 1 लाख रुपया हो जाए, पहली चीज़। तो वो आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उसके बाद आप कितने साल तक रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं हम कितने साल तक रहेंगे, बट फिर भी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेना चाहिए कि मान लीजिए 60-65 के बाद अगले 20 साल तक रहते हैं, तो यानी 1 लाख रुपया हर महीने के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो कि बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो आपके अगले कम से कम 240 महीने तक आपका काम आए। यानी आपको जब आप रिटायर करें तो आपके पास कितनी कॉर्पस होनी चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आज की डेट पे। जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, अब आपके सामने दो रूट है, आप डेट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट लोगों को लगता है कि बड़ा सेफ चीज़ है और रिटायरमेंट को अगर वो सेफ्टी समझते हैं तो फिर वो डेट का रूट अपनाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद 7 या 8 या 9% आपको रिटर्न आएगा, जबकि वही पैसा 10 साल के बाद आपको 20% रिटर्न दे सकता है। यानी कि आप इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो डेट के मुकाबले में शायद आधा या उससे कम आपको इन्वेस्ट करना पड़े, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और आपको उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी जब आज आपके पास अवधि 7 साल 10 साल से ज़्यादा का है तो निश्चित तौर पे आपके पास डेट फंड होने में इन्वेस्ट, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और जब आप रिटायरमेंट के करीब आप आ गए तो आपको देखिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेरी पैसे की जो भी ग्रोथ हुई है मुझे उसको प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि अगर मैं प्रिजर्व नहीं करता हूँ और अगर मेरा पैसा इक्विटी में ही रह जाता है आखिरी दिन तक, तो अगर मार्केट गिर गया या कुछ भी हो जाता है तो मेरा कॉर्पस कम हो जाएगा। तो आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उसको थोड़ा सा उसमें से बैलेंस स्ट्रक्चर करिए, यानी आखिरी के जब 3 साल बच जाए तो एसटीपी रूट के थ्रू धीरे धीरे डेट फंड में मूव कीजिए। कितना पैसा आपको मूव करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट मंथ आफ्टर रिटायरमेंट का आपको कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको 3 साल रिटायरमेंट के बाद का आपका पैसा हमेशा सेफ एसेट में होना चाहिए, और उसके बाद का जो मैं नेक्स्ट 3 इयर्स में जो बोलूंगा वो आपके हाइब्रिड में होना चाहिए, उसके बाद का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर करते हैं, अगर आप इक्विटी फंड्स को चुन रहे हैं, तो जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं वहां से जो है एसटीपी रूट लीजिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे डेट फंड्स में मूव कर जाए, ये बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। खैर, अगर हम बात करें रिटायरमेंट के बाद बच्चों के बारे में, तो बच्चों की शादी होती है, बच्चों की एजुकेशन होती है, एजुकेशन के लिए तो जैसे आपने जिक्र भी किया कि अगर लोन ले सकते हैं तो लोन भी ले लिया जा सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कहीं बच्चे से चुकाएंगे या नहीं। लेकिन अगर शादी के लक्ष्य की बात करें, चूंकि ये जो उम्र होती है ऐसा पड़ाव है कि कुछ ही समय में जो है बच्चों की शादी का लक्ष्य भी बिल्कुल करीब आ जाता है, तो अगर किसी के बच्चे की शादी 5 साल या 10 साल के अंदर होने वाली है तो उसको किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए, क्या निवेश की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, कोई भी आपको जो इन्वेस्टमेंट अगर मेरे हिसाब से 5 साल के बाद अगर है तो आपको हमेशा इक्विटी रूट अपनाना चाहिए। और चूंकि देखिए
बाकी अगर मैं तीन का लूंगा, जैसे एजुकेशन का लेता हूं या होम का लेता हूं या रिटायरमेंट का लेता हूं, यहां पे आपको एक मिनिमम पैसा तो चाहिए ही, लेकिन जहां तक शादी का प्रश्न उठता है, उसके खर्चे का प्रश्न उठता है, ये इसमें एक मिनिमम या मैक्सिमम जैसा कोई चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं। वो आपके अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोई आदमी ने तय कर रखा है कि मुझे कितना खर्च करना है, उसके मन में कोई एक एस्टिमेट होगा कि आज से 7 साल 10 साल 15 साल बाद मुझे कितना पैसा चाहिए अपने बच्चे की शादी में खर्च करने के लिए, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि मैं हर अपने निवेशक को एक चीज़ सुझाव दूंगा कि आप जो भी खर्च करते हैं अपने ज़िंदगी के किसी भी वर्ष में, तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिए, आप अपने पैसे पे ही करते हैं। तो आपका ऐसा ना हो कि आपका आगे का खर्च आप इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक कर दें कि वो आपके ऊपर बर्डन हो जाए। सो कितना खर्च करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार जितना भी आपने क्वांटम तय किया हुआ है उस हिसाब से आप अपना आज से निवेश कीजिए SIP के थ्रू, और लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में कीजिए। और जब पास में आप जब आ जाते हैं, लेट से अगर 1-2 साल आप बच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उस समय अगर फिर मैंने वही बोला मार्केट इकोनॉमी अगर ख़राब हुई तो आपका 40 लाख घट के हो सकता है 30 लाख हो जाए और आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप उसको थोड़ा सा सेफ एसेट में मूव कीजिए। आखिरी का एक साल बच जाए तो कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए मार्केट इकोनॉमी में, और पैसे को हमेशा आप सेफ रिटर्न वाले प्रोडक्ट यानी विच इज डेट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो निवेश कैसे करना है, क्या उसकी राह होनी चाहिए, ये तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल आपको खुद ही करना होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल उठ रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, तो आप हमसे सीधा अपने सवाल भी पूछ सकते हैं ट्विटर या फेसबुक के जरिए। जहाँ हमारा शो ये इस वक्त लाइव है, वहाँ पर आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करें। खैर, इस बीच में प्रकाश जी, एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है, उसे शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ये बताते हैं कि इनकी उम्र 46 साल है, इन्होंने टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, ये 2006 से निवेश कर रहे हैं और हर महीने करीब 37,000 रुपए की इनकी SIP जो है वो चल रही है। म्यूचुअल फंड में इनका मौजूदा निवेश ये बताते हैं कि 19 लाख रुपए है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें 7 साल के बाद 30 से 35 लाख रुपए चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए 12 साल के बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका ये पोर्टफोलियो सही है या नहीं है, और मौजूदा निवेश से ये अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। और प्रकाश जी, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ इनके पोर्टफोलियो को पढ़कर, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट के लिए 12 साल के बाद जो है 1 करोड़ का लक्ष्य बताया। सबसे पहले तो ये बताइए, 12 साल के बाद अगर 1 करोड़ रुपए की ये बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ये लक्ष्य उनके लिए सही है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट फिर मैंने वही बोला, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और आप किस शहर में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर वही एक आदमी का 20,000 रुपया एक बड़े छोटे से शहर में आज की डेट पे अच्छा गुजारा हो सकता है, लेकिन 20,000 मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में शायद नहीं हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ये किस शहर में रह रहे हैं, पहली चीज। एक और मेरा सुझाव होगा कि आप उस समय अपने आप को तकलीफ में पाए, उससे बेहतर है कि आप आज से उसकी तैयारी कर लें। तो आज जैसे कि इनका पहले जो लक्ष्य है जो उन्होंने अपना दिखाया है, वो बिल्कुल, वो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे उस पर अचीव हो जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। ये 37,000 SIP कर रहे हैं हर महीने, और 19 लाख का इनका आज के डेट पे एक्यूमुलेटेड है भी SIP का वैल्यू। अगर मैंने दोनों को अगर मैं 15% के हिसाब से अगर एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से देखूँ और वो इनकी जो अवधि है, तो भाई ये हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ये बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल आप जितना बढ़ाएं आपकी क्षमता के अनुसार वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा तो वो आपके लिए मानसिक तनाव कम करेगा। क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीज़ें, क्योंकि एक सिर्फ हम जब रिटायर करते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी जैसी चीज़ नहीं होती है, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है, और आज के डेट पे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो आपको ज़्यादा हमें परेशान करती है। तो आपके खर्चे जो हैं, जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, दूध की थैली है, तो दूध की थैली का जो कॉस्ट है वो सिर्फ आपके एक्सपेंस पे नहीं डिपेंड करता है, वो इस चीज़ पे भी और तो डिपेंड करता है कि आज बाजार में या आज हमारे समाज में और कितने लोग उसको खरीद रहे हैं, यानी डिमांड कितनी है, और वो डिमांड क्या करती है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उस चीज़ को दाम को और बढ़ा देती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास जितना ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा बेहतर है।
तो बिल्कुल, अगर पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास जितना पैसा रहेगा, कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट जो है वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। आज हम म्यूचुअल फंड में चर्चा कर रहे हैं उन निवेशकों के बारे में जो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, जिन्होंने निवेश की देर से शुरुआत की, लेकिन अच्छी बात यह है कि निवेश की शुरुआत तो की, उम्र के ऐसे पड़ाव में है यानी कि 45 से 55 साल के बीच में, जहां पर उन्हें कैसी रणनीति बनानी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़े हुए हैं। और खैर प्रकाश जी, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, पहले उनके पास चलते हैं फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। भावेश ठेकड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी उम्र 46 साल है और ये वडोदरा से बात कर रहे हैं। तो भावेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है, मेरे को 5000 रुपीज पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से फंड मेरे लिए अच्छा रहेंगे? जी बिल्कुल, और आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं क्या भावेश जी? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉक में हूँ और म्यूचुअल फंड में हूँ, कुछ ज्यादा रिटर्न मिले ऐसा कुछ फंड चाहिए मेरे को। जी 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 जी, तो प्रकाश जी इनका बस एक ही लक्ष्य है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करना है, इसके लिए ये कुछ फंड जानना चाहते हैं। देखिए, एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए इक्विटी से बेहतर कोई नहीं होता है ऑप्शन, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और एक बड़ा लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इक्विटी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी क्या है, वो आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात बोला हुआ है, इक्विटी मतलब आप कुछ ऐसे कंपनी में आपका निवेश होता है जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट हमारे और आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई है हमारी, ठीक है। तो चूँकि हम और आप, इच्छाएँ हमारी बढ़ती जा रही है और हम खरीदते हैं, तो इसीलिए इक्विटी आपको ग्रो करता है और इक्विटी में अच्छा रिटर्न आता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पैसे एक अच्छे कंपनी में हो, और ज़रूरी है आप में म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू करूँ। सो अगर इनको पैसा चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका रूट है। और यहाँ पे मैं इनको सुझाव दूंगा, जो ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होना चाहिए पैसे का, लार्ज कैप होना चाहिए, लार्ज और मिड कैप होना चाहिए, मल्टी कैप होना चाहिए, ये बेसिकली एक कोर पोर्टफोलियो इनका बनाए। और ये 1 करोड़ रुपया चाहते हैं, वही जैसे पिछले वाले हमने सवाल में जैसे बात की थी कि आज से 19 साल बाद 1 करोड़ का कितना वैल्यू होगा, या 1 करोड़ वाकई आपके लिए जरूरी रह पाएगा कि नहीं पाएगा, ये बड़ा एक प्रश्न है। और चूंकि इनके पास अभी 19 साल का लक्ष्य है, तो मेरा इनको सुझाव होगा कि 9000 रुपया से आप शुरू कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा हर महीने बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे आपकी इंक्रीमेंट बढ़ रही है, मान लीजिए हर साल अगर 10% आपकी इंक्रीमेंट बढ़ रही है, तो आपने अगर 5% भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो अगले साल आपका 9000 नहीं होगा, मे बी 9000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट अगर आप अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, SIP के थ्रू करते रहेंगे, तो आपका जो रिटायरमेंट वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 1 करोड़ से निश्चित तौर पर ज़्यादा होगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से भावेश जी आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे, जैसा कि आपने ईमेल में भी रिटायरमेंट के लक्ष्य का जिक्र किया था। और प्रकाश जी जैसे आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रहेगा। खैर प्रकाश जी, इस बीच में हमारे पास एक सवाल आया हुआ है फेसबुक के जरिए, उसे भी शामिल कर लेते हैं। अमर वोरा का, अमर वोरा लिख रहे हैं हमें पुणे से, ये जानना चाहते हैं कि इनके पास एक्सेस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है और ये एक शॉर्ट टर्म डेट फंड है, लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या ये इस फंड में 3 से 5 साल के लिए अगर बने रहते हैं तो क्या इन्हें कंपाउंड बेनिफिट मिलेगा? देखिए, कंपाउंडिंग पहले बात क्या है, आप एक बात समझिए, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग हम क्यों बोलते हैं फायदा मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है या पैसा निकाल रहा है, हर दिन फंड मैनेजर के पास या तो सरप्लस है या तो डेफिसिट है, हर दिन फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है या रिडीम कर रहा है, और हर दिन जो सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो घट रही है और बढ़ रही है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये आपको फंड के NAV पे डेली रूप में आपको असर करता है। दैट्स वाई अगर आप गौर कीजिएगा, म्यूचुअल फंड में जो कंसेप्ट है वो है CAGR का, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बिल्कुल आपको मिलेगा, आप भले ही आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी कल ना कोई और कर रहा है, तीसरे दिन कोई और कर रहा है, तो ये आपको इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड सच पूछिए तो सबका साथ सबका विकास, एक बिल्कुल ही वो वाला नारा म्यूचुअल फंड पे लागू होता है, तो ये इनको मिलेगा। जहां तक इनको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए और किस फंड में करना चाहिए, डेट फंड निश्चित तौर पे आपका कोई भी आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट अगले 3 साल तक है तो वो डेट में रखिए, यानी सेफ रिटर्न में रखिए। सो ये चॉइस इनका सही है, अगर 3 साल का अवधि है इनका तो बिल्कुल। तो अगर आपका 3 साल का अवधि है तो आपका चॉइस सही है, आप इसमें बने रह सकते हैं। आसिर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से,
और इनकी उम्र जो है 46 साल है। असित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मेरा सवाल है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में हर महीने में तकरीबन 15,000 के निवेश कर रहा हूँ और मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए 5 साल बाद 15 लाख रुपए चाहिए और उसके बाद हर 5 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए हर 6 माह पर अपने निवेश से और मैंने 35 लाख का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और 20 लाख का मेडिक्लेम ले रखा है जी। और मैंने 40,000 रुपए और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो किन फंड्स में करूँ? फिलहाल मैं जिन फंड्स में कर रहा हूँ उसमें ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, DSP टाइगर फंड, DSP टॉप 100, HDFC बैलेंस एडवांटेज, LNT इक्विटी और रिलायंस स्मॉल कैप है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो मेरा टारगेट है, जो लक्ष्य है मेरे, क्या मुझे जो ये मैं निवेश कर रहा हूँ उसे हासिल होगा? और दूसरा, जो मैं 40,000 अलग से निवेश कर सकता हूँ उसके लिए कौन से होने चाहिए? बिल्कुल, तो प्रकाश जी क्या सलाह देना चाहेंगे आप असित जी को? नहीं देखिए, इनका जैसे मैं एक ही लक्ष्य देख रहा हूँ, वो है कि इनको 5 साल बाद अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लगभग 15 लाख चाहिए और वो 15 लाख भी इनको एक गो में नहीं चाहिए, 1.5 लाख रुपया हर 6-6 महीने पे चाहिए। तो निश्चित तौर पे मैं इनको सजेशन इक्विटी ही दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑलरेडी इनके पास अक्यूमुलेटेड SIP है, तो ये आज जो 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चूंकि 5 साल बाद इनको जरूरत पड़ेगी ये जो 1.5 लाख रुपए का, तो अभी ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें और जब ये पैसे की जब इनके आगे जब 1.5 लाख रुपए का आएगा इनके पास ऑप्शन जब देने का, तो उस वक्त ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दें। तो उस वक्त ये कोशिश करें कि 1.5 लाख रुपया जो है ये 40,000 में से पहले उधर लेके चले जाए, यानी मेरे हिसाब से 25,000 रुपया अगर ये अपना कोई लिक्विड फंड में अगर पैसा डालेंगे तो वो 1.5 लाख इनके लिए हो जाएगा, बाकी का 15,000 ये अपना इक्विटी फंड में चलाते रहे। तो ये इनको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, अभी इक्विटी में करें और बाद में थोड़ा सा पैसा लिक्विड फंड में डालें जो कि इनको शॉर्ट टर्म 6 महीने का लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा और बाकी बचा हुआ इक्विटी फंड में डालें। बिल्कुल, तो असित जी आपको ठीक इसी सलाह पे जो है प्रकाश जी जैसा आपको बता रहे हैं, अगर आप चलेंगे तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम सलाह देने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।